नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे फरार स्थायी वारंटियों की तामील अभियान के तहत गुना कोतवाली पुलिस ने दो वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बता दें कि स्थायी वारंटी फिरोज पुत्र अमीर मोहम्मद को कर्नलगंज से गिरफ्तार किया गया। यह स्थायी वारंटी पशु क्रूरता एक्ट में 4 वर्ष पुराने एक प्रकरण में फरार था। साथ ही सौरभ जैन पुत्र अविनाश कुमार जैन निवासी भगवती कॉलोनी को एक चेक बाउंस मामले में न्यायालय में 6 माह का कारावास एवं 90,000 रुपये का जुर्माना देने की सजा के चलते फरार था। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इन दोनों ही आरोपियों को आरक्षक सुरेंद्र मिश्रा और सैनिक बुंदेल लोधा ने गिरफ्तार किया। अपने अलग ही अंदाज में काम करने के लिए जाने जाने वाले नियाज खान ने आज उन सभी भ्रष्टाचार करने वालों की एक बार फिर नींद हराम कर दी। गुना जिले की सभी पंचायतों के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जिला पंचायत सीईओ की समीक्षा बैठक रखी, जिसमें सरपंच, सचिव और इंजीनियरों को व्हाट्सएप पर ही नोटिस थमाए गए। साथ ही 72 घंटे में गबन की राशि वापस लौटाने के दिए निर्देश, वहीं 6 घंटे में मांगा जवाब। चांचौड़ा के 2 दर्जन से अधिक सरपंच एवं सचिव जांच के घेरे में, प्रभारी सीईओ नियाज अहमद खान की कार्रवाई। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की आज प्रकट उत्सव, साथ ही आज के दिन शासकीय अवकाश को घोषित किया जा चुका है, जिसकी जानकारी हर निजी और सरकारी स्कूल एवं कार्यालयों में पहले ही पहुंचा दी गई। इसके बावजूद भी माथुर कॉलोनी स्थित सेंट पॉल स्कूल शासकीय नियमों को धता बताते हुए आज सरकारी अवकाश होने के बाद भी खोला गया। वहीं सभी बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया गया। समझ से परे है कि क्यों कुछ निजी एवं सरकारी स्कूल नियमों को धता बताते हैं और अधिकारी अपनी चुप्पी साधे रहते हैं। जब स्कूल खुले होने की खबर नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय को लगी तो वह अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे और जानने की कोशिश की कि क्यों अवकाश के दिन स्कूल को खोला गया। आपको नहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती की वजह से आज छुट्टी है, तो मतलब आप मतलब गलत विरोधी वाला काम कर रहे हैं। आप छुट्टी करिए, आप मुझे एक बात बताइए, जो अपना कैलेंडर आज रामायण के रचयिता, सीता के रक्षक, लव कुश के गुरु महर्षि वाल्मीकि भगवान का आज प्रकट उत्सव है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है, इसके बाद ये स्कूल खुला। हमें उनको जानकारी नहीं थी, उनने बताया तो हम इसलिए यहाँ आए थे, स्कूल खुला हुआ। उन्होंने कहा गलती हमसे हो गई, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, शिक्षा का मंदिर है, उन्हें इसका पुनर्वृत्ति न हो, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। वहीं स्कूल के संचालक ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें इस संबंध में कोई निर्देश मिला। छुट्टी के आदेश नहीं बताया गया, नहीं बताया किसी ने, छुट्टी का नहीं बताया गया आपके लिए, हमें किसी ने नहीं बताया। एक स्कूल का संचालक अगर इस तरह के बयान देगा कि उसे जानकारी नहीं कि आज वाल्मीकि जयंती है और आज के दिन छुट्टी होती है, यह कैसे संभव है? पूरे समय स्कूल के संचालक बस यही कहते रहे कि मुझे जानकारी नहीं है। बता दें कि यह स्कूल कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है और कई बार इस तरह की गलतियां यहां होते गई हैं, पर हमेशा ही स्कूल का संचालक यह कहकर बयान दे देता है कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ओबीसी फ्रंट के पदाधिकारी पहुंचे गुना, साथ में उन्होंने ली बैठक। बता दें कि आगामी 2018 के चुनाव में
पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड भी हिस्सा लेने वाली है। इसी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए उक्त पार्टी के पदाधिकारी गुना पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली एवं दिशा निर्देश भी दिए। अपना जो इस माह तक अभी हमारी पार्टी नई नई पार्टी है और इसी विचारधारा को लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं और अपनी कार्यकारिणी और अपने पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ कर रहे हैं। विस्तार चल रहा है, अभी पार्टी का विस्तार चल रहा है और पार्टी तेजी से हमें रिस्पांस मिल रहा है जनता का, क्योंकि हमारा जो पार्टी का आपके हाथ में जो पर्चा है इसमें हमारी सारी नीतियाँ, सारी हमारे जो क्रिया कार्य के तरीके हैं वो सब दिए गए हैं और इसका संविधान कानून बनाया है आपने कि एक देश एक कानून। तो पेट्रोल और डीजल पे हमारे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में डीजल पेट्रोल पर और शराब पर कोई GST नहीं लागू की, ये भी एक सरकार का मन कहना चाहिए जनता के साथ बेईमानी है। अगर GST उस पर आ जाती तो अधिकतम 28% GST है, चूँकि हम 54% टैक्स मध्य प्रदेश में पेट्रोल पे दे रहे हैं, तो ये 28% आ जाता तो बहुत राहत हो जाती यहाँ की जनता को, तो इस पर GST से इसको बाहर रखा गया, ये बेईमानी है। हमारे यहाँ आने का जो प्रोग्राम था ये हमने जो पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड का गठन किया है मध्य प्रदेश में, आगामी 2018 के चुनाव में ये पार्टी भाग लेगी, उसके प्रचार प्रसार के लिए और यहाँ हमारे जो जनसंपर्क के माध्यम से यहाँ आए थे हमारे जो पदाधिकारी अभी तक नियुक्त हो चुके हैं, तो इन पदाधिकारियों की बैठक लेने के लिए जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और जो हमारी जिला टीम है, तो उनकी बैठक लेने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए यहाँ पर ये हमने आज बैठक आयोजित की थी। तो यहाँ पर पार्टी के जो गुना जिले के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया था, तो अभी उनकी 10 बजे से बैठक हुई ली है। हमारी तैयारियाँ तो ये बूथ लेवल से हमें तैयारी संगठन को बूथ लेवल तक पहुँचाना है और पूरी तरह हमें 230 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ना है इस पार्टी को, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। महाराज अजमेर जयंती महोत्सव के मौके पर श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज मंडल गुना के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इसी मौके पर बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई। आरोन बाईपास पर दो भाई अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, वहीं एक को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। दोनों ही भाई सेमरा के निवासी हैं। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक भाई की दर्दनाक मौत हो गई। दिनेश सिंह की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं उसके भाई को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया है। रामायण के रचयिता एवं लवकुश के गुरु महर्षि वाल्मीकि की आज जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न मार्गों से जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया।
वहीं जुलूस में आगे ही आगे महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थीं। साथ ही एक चलित झांकी भी इसमें महर्षि वाल्मीकि और लव कुश के साथ रथ में बैठाया गया। यह भी शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। पुरस्कार विजेता कैला सत्यार्थी की अगुवाई में शुरू हुई भारत यात्रा आगामी 8 अक्टूबर को शहर में करेगी प्रवेश। इसके अगले दिन 9 अक्टूबर को शहर भर में उक्त यात्रा निकाली जाएगी जो कि लक्ष्मीगंज में समाप्त होगी, जहां पर आम सभा का आयोजन होगा। यात्रा की तैयारियां कर रहे प्रदेश संयोजक इंजीनियर ओएन शर्मा के मार्गदर्शन में सभी तैयारियां की जा रही हैं। आज मीडिया से बात करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि बचपन सुरक्षित भारत सुरक्षित इस नारे के तहत नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा 11 सितंबर से कन्याकुमारी से अपनी भारत यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके साथ ही 8 तारीख को यात्रा गुना पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि उक्त भारत यात्रा का समापन दिल्ली में 16 अक्टूबर को होगा। यात्रा के दौरान श्री सत्यार्थी द्वारा बनाई गई कई योजनाओं के अनुसार देश भर के 10 करोड़ लोग जो कि बचपन के प्रति संवेदना रखते हुए किसी भी तरह के बाल शोषण को रोकने और इसके लिए हर संभव सहयोग देने का संकल्प भी इन लोगों को दिलाया जाएगा। कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का मध्य प्रदेश का नाम किया है, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में एक भारत यात्रा का आयोजन 11 सितंबर से किया गया है जो 16 अक्टूबर को दिल्ली में समाप्त होगा। इस यात्रा में 170 कोर मार्चर हैं और वो यात्रा 22 प्रांतों से पूरे भारत में निकल रही है। कल तक वो 8000 किलोमीटर चल चुकी है और टोटल समापन के समय तक 11000 किलोमीटर वो यात्रा पूरी तय करेगी। इसमें 100 मिलियन करके 10 करोड़ लोगों को जोड़ के शपथ दिलानी है कि भाई हम बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों को जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी हमारे संज्ञान में आएंगे, जहाँ भी हमें पता लगेगा, तो हम अपना दायित्व को समझते हुए और उसमें जाके कोशिश करेंगे उसमें उसको रोकें। ये यात्रा भोपाल से चलकर 8 तारीख को 12 बजे आरोन में प्रवेश करेगी। आरोन में इसका स्वागत रखा गया है, वहाँ पे कॉलेज में एक कार्यक्रम है। उसके बाद से यात्रा 3 बजे श्रीनाथ गौशाला ब्रजधाम बजरंगगढ़ में आएगी। वहाँ गौ माता के दर्शन करके वहाँ उनका स्वागत रखा गया है। प्रवेश से पहले श्रीनाथ गौशाला पर उनका स्वागत है। उसके बाद ये यात्रा विश्राम हरेक जी के गार्डन में इनका रुकने की व्यवस्था 8 तारीख को वहाँ रहने वाले हैं लोग, और 9 को सुबह एवं 8 बजे संजय स्टेडियम में सभी लोग इकट्ठे होंगे। इसमें शहर के सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन, सभी व्यक्ति, सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सभी लोगों के साथ बैठक है। और आज 3 बजे भी सामाजिक संगठनों के साथ बैठक है। सभी लोग बड़े उत्साह से इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गुना में जब मार्च निकलेगा 8 बजे संजय स्टेडियम से, जो हनुमान चौराहे, हार्ट रोड, निचला बाजार और समापन उसका लक्ष्मीगंज में करेंगे, हम सब मिलकर इस यात्रा में व्यापक इसका लोगों का सहभागिता हो, क्योंकि ये बुराई जो समाज में है बच्चों के प्रति, इस बुराई को ठीक करने के लिए केवल जागरण की जरूरत है और वो भी व्यापक हो। इसमें हम सबसे आग्रह इसलिए आज किया है कि हम सब भाई मिलके, अपन सब मिलके, और आज का सबसे अद्भुत दिन है कि भारत यात्रा को व्यापक करने के लिए आज हम लोग वहाँ बैठे विचार विमर्श किए, उसमें सभी लोग जितने उपस्थित हैं आज वो उस आयोजन समिति के सदस्य, सभी ने इसको आयोजन समिति का रूप दिया है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य मीडिया से है कि व्यापकता तो मीडिया से होगी और इसका कार्य इस यात्रा के पीछे भी केवल व्यापकता है कि व्यापक से व्यापक इसका प्रचार प्रसार। तो हम सब लोग मिलकर आयोजन समिति के सदस्य के रूप में अपनी अपनी जिम्मेदारी हम सब लोग लगेंगे, और 9 तारीख को सुबह जो मार्च निकलेगा वास्तव में अद्भुत हो और गुना का जागरण हम मध्य प्रदेश में भी सब जगह प्रकाश डालें, ऐसा मेरी विश्वास है। बैंक ऑफ
इंडिया की गुना शाखा में कल देर रात होता रहा हंगामा। बता दें कि बैंक मैनेजर की अभद्रता से परेशान होकर एक बैंक का एक ग्राहक जो कि लंबे समय से लोन के लिए चक्कर लगा रहा था, उससे विवाद हो गया। बता दें कि एक व्यापारी करीब 68 लाख के लोन के लिए कई महीनों से बैंक के चक्कर काट रहा था, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने उक्त व्यापारी को यह कहकर टाल दिया कि मैं पुराने कागज नहीं देखता, नए कागज बनवा कर लाओ। साथ ही जब उक्त व्यापारी ने बैंक मैनेजर की रिकॉर्डिंग करना चाही तो बैंक मैनेजर ने बलपूर्वक उसका मोबाइल छीन लिया। रिव्यू क्यों नहीं करो? मैं क्या कह रहा हूं, आप लिख के दो रिव्यू क्यों नहीं करो? कोई लिख के नहीं दे रहा। आप लिख के दो, मैं वीडियो बना रहा हूं, लिख के दो। अरे यार, जिसके फुटेज व्यापारी ने डीजियाना न्यूज को उपलब्ध कराए हैं। समझ से परे है कि क्यों बैंक के मैनेजर ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं करते और इसी तरह की अभद्रता करते हैं। इसी विवाद को बढ़ता देख कई लोग बैंक के बाहर जमा हो गए। यही विवाद सुलझाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा और पुलिस को भी पहुंचना पड़ा। वहीं समझाइश के बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। यह कोई पहली बार नहीं जब बैंक मैनेजर ने किसी ग्राहक के साथ अभद्रता की हो। इस तरह के पहले भी कई मामले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है। मुझसे बोला शाम को आ जाना। शाम को जब मैं आया, जब कस्टमर कम थे, तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा आपने रिव्यू चार्जेस लगा रखे, लेकिन रिव्यू नहीं किया। इस बार उन्होंने मुझसे बोला कि कोई आप कंप्लेन कर दो, ऊपर कहीं भी कंप्लेन कर दो, हम भी करेंगे आपका रिव्यू। कौन कहता है ऐसा? बैंक मैनेजर बोलता है हम नए लोगों पर ध्यान देते हैं। आपको दो आदमी होते गिरवा के बाहर निकाल दिए बैंक। धक्का देके बाहर निकाल, धक्का देके बाहर निकाल। क्या फुटेज है? सीसीटीवी में, बैंक के सीसीटीवी में मिल जाएगी फुटेज सारी। क्या नाम है आपका? अंकित अग्रवाल। डीजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।